So, what's up guys? So, assalamu alaikum guys. कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेस्ट होंगे. तो guys, कैसे जा रहे हैं आप सब लोगों के रमज़ान? रोज़े रख रहे हैं कि नहीं? मेरे तो सारे रोज़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी नमाजें हो रही है. और आज है 13वां रोज़ा, 24 तारीख. तो आज हम करेंगे वाले इफ्तार पार्टी. इफ्तार पार्टी करेंगे हम एंड उधर एक मस्जिद है, मस्जिद सोफिया, उसमें हम बनाने वाले हैं खाना एंड वहीं पे हम इफ्तार करेंगे. तो मैं सोचा था उसी पे हम ब्लॉग बना के दिखा दें एंड मेरे सारे लोग दोस्त होंगे वहाँ पे एंड सब लोग हम कर रहे हैं कैसा करेंगे क्या करेंगे इस सिलसिले में मैं बताऊँ आप सब लोगों को. एंड गाइस, मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैंने बीच में छोड़ दिया था, कैब ले लिया था थोड़ा सा. एंड मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ ऐसा, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, क्या करूँ. तो आज हम बताने वाले आप सब लोगों को पूरा सारा क्या करेंगे क्या नहीं. पहले तो हम जाएंगे मस्जिद में, जाके देखेंगे कि क्या तैयारी है. मैं अभी उठ के फ्रेश फ्रेश हुआ हूँ, तो अभी बज रहा है 1, तो अभी जोहर का टाइम है. नमाज़ पढ़ के हम चलते हैं सीधा मस्जिद में. चलो लेट्स गो गाइस. हम निकल गए घर से. मैं सोच रहा था कि जोहर पढ़ के जाएंगे, लेकिन वहाँ पर काम वाम है. तो चलो फिर काम करते हैं, बताते हैं. बाय. तो गाइस, हम आ गए इधर मस्जिद के बाहर, बैठा हूँ मैं. ये सब लोग गए इधर भगोने वगोने लाने को, तो सुबह लाए नहीं थे, तो अभी लाने गए. अभी जोहर का अज़ान भी हो गया है, तो हम पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, देखते कहाँ है. और ये हमारी मस्जिद है छोटी सी, हम यहाँ आज खाना बनाने वाले हैं, है ना. चलो ठीक है, नमाज़ पढ़ के मैं तुम लोग को बताता हूँ. A few moments later. So, अस्सलाम वालेकुम गाइस. तो हम नमाज़ पढ़ के आ गए बाहर और हमने भगोने वो ला लिए हैं. और ये साइड में है जो गोश्त ला लिया है, हम गोश्त को धोएंगे अभी. तो गोश्त धोने के बाद हम इसको अभी थोड़ी देर रख देंगे यानी आसिफ छुंडी. तो गाइस, हमने गोश्त वोश्त धो दिया है, लकड़ी ला ली है, अभी हम कतरेंगे प्याज. अपने हमारे आसिफ मालक नाइस करके मालक, और अभी उन्होंने मस्जिद में जाके बैठे हैं गाइस, प्याज कट कर रहे हैं. चलो हम भी चलते हैं मस्जिद में बैठते हैं. सारे उस्ताद मिल के यहाँ पर प्याज कट करते बैठे हैं गाइस. A few moments later. हम थोड़ा आराम करके निकल गए बाहर, अभी हम लाएंगे प्लेट हमारी छोटी सी मस्जिद. सामान लेके, प्लेट्स वगैरह लेके हम आ गए हैं हमारी मस्जिद में फिर से. साकिब भाई, हम जाएंगे रोज़ा तो नहीं, आप चलो जाएंगे अभी. कहाँ भाई? सो गाइस, जैसे हम मस्जिद में आए तो हमारे नूरानी मस्जिद के मौलाना खरबूज कट करते बैठे, क्योंकि हम उसका भी जूस बनाएंगे. डंगर देखो, पंखे साफ कर रहा हूँ मस्जिद की, खिदमत कर रहा डंगर. डंगर इधर देखो, डंगर डंगर. तो गाइस, हम मोहब्बत का शरबत भी बना रहे हैं, सोचे रमज़ान है तो लोगों में मोहब्बत फैलाए. और इधर हमारे बच्चे आराम फरमा रहे हैं और मैं भी अभी कतर रहा हूँ तरबूज, ठीक है. सो गाइस देखो, अब हमने हमारा मोहब्बत का शरबत बना रहा है. अभी इसमें ऐड करने वाले हम बर्फ़, कि नोमान बर्फ़ ऐड कर रहा है. और बाकी सब लोग बोल रहे हैं ऐसा मत करो ऐसा मत करो, बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं हमारे पास, डायरेक्शन देते रहते हैं हमको. इसमें से हमने और रुआ अफ़ज़ा थोड़ा ऐड कर दिया, क्योंकि हम जितना रुआ अफ़ज़ा डालेंगे इसका उतना कलर आएगा और ये उतना अच्छा लगेगा एकदम पिंक कलर का. एंड बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था. एंड हम सब तो रोज़ा थे, हमें टेस्ट करना नहीं बन आ रहा था, लेकिन फिर भी बहुत मस्त बना था ये, देखो एक बार. तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, असर की नमाज हो गई है हमारी. गाइस मैं यहाँ बैठा हूँ और हमारा खाना बन रहा है, अभी दम होगा क्योंकि असर हो गई है, हमें बनाना पड़ेगा. और मैं यहाँ फूड कट कर रहा हूँ इफ्तारी के लिए. सो व्हाट्स अप गाइस, तैयारी हमारी हो गई है, दम भी हो रहा है हमारा, खाना भी बन रहा है. एंड शागी बोर्ड सोहेल गया है इफ्तारी लाने को, वो भी लेके आएंगे इफ्तारी. और यहाँ पर मेरा ब्लॉग चालू है, सब मेरे मुंह को देख रहे हैं गाइस, मेरे दोस्त. बर्फ नको गाइस, अफरोज मुंह छुपा रहा है देख के. गाइस यहाँ पे हमने खरबूज का जूस बना के रखा है ठंडा होने के लिए, और दम हो रहा है उस्ताद, इन्होंने खाना बनाया उसका. A few moments later. हमारे इफ्तारी का बर्तन सज गया है एंड देखो ऐसा सब था. और मेरा मोहब्बत का शरबत भी देखो मैंने बनाया हुआ. A few moments later. Hey, so guys, हम आ गए फिर से यहाँ मस्जिद में, क्योंकि जब मेरे को तुम लोग को दिखाने को टाइम ही नहीं मिला,
क्योंकि मगरिब का अजान नमाज हुआ, नमाज के बाद हमने फिर वो इफ्तारी का सारा बर्तन उठाया, फिर एकदम से पब्लिक निकली तो हमने खाना खिलाने में बहुत बिजी हो गए थे हम लोग, तो टाइम ही नहीं मिला उस चीज़ के लिए। अभी हमने ये लाए थे भगोने रेंट से, तो वापस इसको लिख जा के देना है हमें। तो हम आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं अभी, एंड मिलते हैं तुम्हारों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सपोर्ट करते रहो एंड रमजान मुबारक ऑल, बाय।